देखिए डॉक्टर फहद, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, क्योंकि शहीर मेरा रिलेटिव है। अच्छा चलें, ओके थैंक यू। क्या बाय। हुआ फातिमा, कुछ पता चला? हाँ, मेरी अभी डॉक्टर फहद से ही बात हो रही थी, तो वो कहते कि उसको अगले हफ्ते डिस्चार्ज कर देंगे। शुक्र। हानिया, तुम अपने ससुराल वालों को कॉल करके शहर की सिचुएशन का क्यों नहीं बता देती हो? अरे बता तो दूं, और आसर और बाबा उसे आके ले भी जाएंगे, लेकिन फातिमा शहीर की जो कंडीशन है उससे बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। मुझे यार, उसके घर वाले करेंगे ना उसकी केयर। यकीन है कि बाबा और आसर अभी तक उस बात को भूले नहीं हैं। जो घिनौना इल्जाम उन्होंने मुझ पे लगाया था, उसकी जद में बेचारा शहीर भी आ गया, और वो यकीनन उसके सामने ये बात दोहराएंगे। फातिमा डॉक्टर उन्हें बता देंगे ना शहीद की कंडीशन के बारे में? शहीद ने मेरी वजह से अपने घर वालों की मुखालफत मोल ली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी सेहत और खराब हो। उसकी पूरी लाइफ का सवाल है, उसके फ्यूचर का सवाल है। फातिमा तुम नहीं जानती, आसर और बाबा गुस्से के बहुत तेज हैं और जज्बाती हैं। मुझे उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। फातिमा, वो शहीर को देखेंगे और उन्हें पुरानी बातें याद आएंगी, और फिर वो चुप नहीं करेंगे। फिर अब तुम क्या करोगी? मैंने डिसाइड कर लिया है, जब तक शहीर की हालत ठीक नहीं हो जाती मैं उसकी देखभाल करूंगी, और फिर बाद में कर दूंगी इन्फॉर्म उसके घर वालों को। यार देख लो, अब कोई नया इल्जाम ना लगवा लेना। इससे बड़ा क्या इल्जाम लगेगा, जब मेरे शौहर ने ही मेरे किरदार पे सवाल उठा दिया, और शहीर की जिंदगी के लिए मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगी। शहीद, मेरा प्यारा भाई, कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह उसकी हिफाजत करना और उसे इसी तरह हंसता खेलता वापस घर ले आना। शहीद मेरे भाई, आ जाओ ना वापस, ऐसी भी क्या नाराजगी। और अगर ऐसा कुछ था तो तुम मुझसे तो कहते कम अज कम, ऐ तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी ना। शजी शहजीन, ये सारी हंडिया जला दी तुमने, क्या हो गया तुम्हें? जरा सा भी ध्यान नहीं देती हो। एक काम बोला था वो भी ढंग से नहीं हुआ तुमसे। नहीं मम्मी, बस चली नहीं है, बच गई है। हाँ, अगर मैं आकर तुम्हें ना बताती तो जल ही जाती। खैर एनीवेज, अब प्लीज जरा सैलेड बनाओ और खाना टेबल पर लगा दो। हानिया और फातिमा लंच के लिए आ रहे हैं। अब ख्यालों में वापस मत खो जाना। हाँ